जय माँ बाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी के कई रिक्रूटमेंट आप लोग की आई थी। जी हाँ, 1600 प्लस आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी थी। एसआई एएसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसके की फिजिकल यहाँ पे चल रहे हैं। जी हाँ, फिजिकल आप लोग के 4 नवंबर 2023 तक यहाँ पे चलने वाले। तो आज का जो मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एसएसबी की तरफ से जो नोटिस आया है वो नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, वैकेंसियां बहुत ही अच्छी हैं और अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं। कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे, ट्रेड्समैन की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 543 से 693 यहाँ पे वैकेंसियां कर दी गई। आने वाले समय में कई रिक्रूटमेंट में वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती है, तो वैकेंसियां अच्छी हैं, तैयारी आप लोग कीजिए। यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है, ये रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, 1600 प्लस आप लोग की वैकेंसी है, फिर चाहे आप लोगों ने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हो, हेड कांस्टेबल के लिए, या फिर दोनों के लिए किया हो, एसआई के लिए एएसआई के लिए किया हो। जी हाँ, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय अब आप लोग का नहीं लगने वाला। आप लोगों ने देखा सभी रिक्रूटमेंट के फिजिकल एक साथ यहाँ पे ले लिए गए हैं। जी हाँ, फिजिकल ले लिए गए। अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप रिटन एग्जाम है और रिटन एग्जाम भी बहुत ही जल्द यहाँ पे लिया जाएगा। ये भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। और वैकेंसियां इंक्रीज होती है तो ये तो आप लोग के लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी ये रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज हो रही है और आने वाले समय में और भी वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती है। तो यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, रिटर्न की तैयारी में लग जाएंगे। फिजिकल क्लियर नहीं किया है, फिजिकल देने नहीं जा सके हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि हेड कांस्टेबल का फिजिकल था, लेकिन सेम डे पे कांस्टेबल का भी फिजिकल था, तो कांस्टेबल का छोड़ दिया या फिर हेड कांस्टेबल का छोड़ दिया, या फिर एसआई का देने नहीं जा सके, एएसआई का नहीं देने जा सके। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पे विद प्रूफ में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं, आपकी रिक्रूटमेंट आपके फिजिकल से ही रिलेटेड है। जी हाँ, 4 नवंबर 2023 में यहाँ पे आप लोग के सभी के फिजिकल फिनिश हो रहे हैं। एक बार कंप्यूटर पे जाने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रिटन एग्जाम के लिए। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए और यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर दिया है तो मेरी तरफ से बधाई हो आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप आप लोग का क्लियर हो गया, अब आप लोग को नेक्स्ट स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप आप लोग का रिटन एग्जाम ही है। रिटन एग्जाम में जितने अच्छे नंबर लेके आप लोग आ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ, मेडिकल ट्रेड वगैरह क्लियर करने में तो रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो चलिए चलते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे क्या नोटिस है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है विभाग, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, यही है वो नोटिस जो कि एसएसबी के द्वारा आप लोग को दिया गया है, 26/10/2023 को ही यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो ये नोटिस जो है आप लोग की रिक्रूटमेंट और पीटी पीएचटी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, और एसएसबी का ही है, बिल्कुल क्लियर है। सशस्त्र सीमा बल, तो क्या है ये सर्कुलर, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, सशस्त्र सीमा बल के उप निरीक्षक, पायनियर, ड्राफ्टमैन, संचार, स्टाफ, नर्स, महिला। तो यहाँ पे आप लोग का उप निरीक्षक का मतलब एसआई होता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, पायनियर, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल, और इसी प्रकार से आप लोग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोग की आई थी। यहाँ पे 70 वैकेंसी थी आप लोग की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, और इसी प्रकार से आप लोग की हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटनरी एंड, और इसके अलावा आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी थी जिसकी की वैकेंसियां अभी इंक्रीज भी हुई हैं। और यहां पे आप लोगों की कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, कुक एंड वाटर कैरियर 2023, यानी कि ये आप लोग की जो है चारों रिक्रूटमेंट एसआई पॉइनर की, एसआई फार्मासिस्ट वगैरह की, और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन वगैरह की, और कांस्टेबल यहाँ पे आप लोग की, ड्राइवर, कारपेंटर वगैरह की जो आप लोग की वैकेंसी थी, इसके पदों पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी दिनांक 29/9/2023 से एसएसबी के विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ, 29 सितंबर से ही आप लोग के यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट है और एसएसबी के कई सेंटरों पे आप लोग के यहाँ पे फिजिकल चल रहे हैं, पीटी पीएचटी इन सभी रिक्रूटमेंट के, जो कि दिनांक 4/11/2023 को समाप्त हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। जी हाँ, 4 नवंबर को सभी फिजिकल यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी जो परिहार परिस्थिति के कारण निर्धारित तिथि और समय पर अपने आवंटित स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके, वैसे अभ्यर्थी दिनांक 4/11/2023 या उससे पहले अपने निर्धारित भर्ती स्थल पर पीटी पीएचटी के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
तो दिनांक 4/11/2023 के बाद एसएसबी द्वारा पीटी पीएचटी के संदर्भ में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आप लोगों से कहा जा रहा है किसी भी कारणवश आप लोगों ने यहाँ पे अपने फिजिकल को छोड़ दिया है तो आप लोग यहाँ पे फिजिकल दे सकते हैं। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे फिजिकल देने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जिन्होंने कि कांस्टेबल का देने की वजह से हेड कांस्टेबल छोड़ दिया, हेड कांस्टेबल की वजह से एसआई छोड़ दिया। तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को दी जा रही है। जी हाँ, आप लोग एक फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, दूसरे के लिए पहुंचिए। यदि किसी कारणवश भी आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया है तो 4/11/2023 तक आप लोग के फिजिकल चलने वाले हैं। 4 नवंबर 2023 तक डिपार्टमेंट ने खुद नोटिस देकर के आप लोग को बताया है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा फिजिकल छूट गया है, या मेरा एक दिन मेरा फिजिकल है, सर मैं क्या करूं, कौन सा फिजिकल दूं, क्या दोनों फिजिकल दे सकता हूं। तो देखिए, मैंने आप लोग को पहले से ही जानकारी दी है, एक फिजिकल देने के बाद आप लोग दूसरे फिजिकल देने के लिए चले जाइए, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिस के जरिए आप लोग को बता दिया है, जिसका भी फिजिकल छूट गया है, फिर चाहे कारण कोई भी रहा हो, जी हाँ कारण कोई भी रहा हो, आप लोग फिजिकल देने के लिए जा सकते हैं 4 नवंबर 2023 तक। जी हाँ, यही आप लोग की लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। यदि फिजिकल छूटा है, कोई भी कारण हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कारण बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, डिपार्टमेंट ने खुद आप लोग को बताया है, 26 अक्टूबर का आप लोग का ये नोटिस है, बिल्कुल इसे अपलोड किया गया है 27 तारीख को, मैं आप लोग को बता दूं। तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी भी बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने पर्सनली मैसेज करके, जिनको मैंने जानकारी दी, जिन्होंने मुझसे पूछा क्या सर किसी भी दिन फिजिकल देने के लिए जाया जा सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर 4 नवंबर 2023 को ही फिजिकल देने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को क्लियर करूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी 4 नवंबर 2023 या उससे पहले अपने निर्धारित भर्ती स्थल पर, यानी कि 4 नवंबर या फिर उससे पहले आप लोग जो भी आप लोग को जहां भी बुलाया गया है वहां पे पीटी पीएचटी के लिए बुलाया जा पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोग की 28 अक्टूबर है, 29 को पहुंचिए, 30 को पहुंचिए, 1 को पहुंचिए, 2 को पहुंचिए, 3 को पहुंचिए, 4 को पहुंचिए, किसी भी दिन आप लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां पे आप लोग को बुलाया गया है वहीं पे आप लोग को जाना है। और 4 तारीख के बाद पीटी पीएचटी समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग फिजिकल नहीं दे पाएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर दी। किसी भी दिन आज से आप लोग किसी भी दिन चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, आप लोग जाके अपने फिजिकल को दे सकते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट पूछ रहे सर वहां पे क्या बताया जाएगा, क्या रीजन था। देखिए, कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं, जब डिपार्टमेंट ने आपसे बोल दिया है कि आपका फिजिकल छूट गया है, आप लोग फिजिकल देने आइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास नोटिस है, नोटिस आप लोग दिखा सकते हैं, सर मेरा फिजिकल छूट गया था, मेरा दूसरा फिजिकल था, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, आप लोग जो है जाइए फिजिकल देने, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे इस नोटिस को दिखाने की वजह से क्या सर दोबारा से फिजिकल हो रहे हैं। भाई देखो, दोबारा से फिजिकल नहीं हो रहे हैं, जिनके फिजिकल छूट गए हैं, ऐसा नहीं कि आपने फिजिकल दे दिया फेल हो गए दोबारा से फिजिकल दे सकते, नहीं, जिनका किसी कारणवश फिजिकल छूट गया हो, कोई भी कारण हो, ठीक है, फिजिकल आपका छूट गया है तो आप लोग, और आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, आप लोग जाइए उस फिजिकल को देने के लिए जहां भी बुलाया गया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यदि ऐसा है तो आप लोग निकलिए, वेट मत कीजिए लास्ट डेट का, जल्दी जाइए फिजिकल दीजिए, और आने फिजिकल क्लियर करने के बाद रिटर्न एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने आप लोग को दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर, जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगातार, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।